हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं। और अभी सुबह सुबह का टाइम है और घर का काम तो जानती हो, इतना सारा काम रहता है दिन भर। तो अभी हम लोग सुबह सुबह बना रहे थे नाश्ता, और तो आज मैं यही दिखाने वाली हूँ अपना मॉर्निंग रूटीन, क्या क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ। तो आज ना मैं सोची कि यार थोड़ा सा एक्सरसाइज कर ही लेती हूँ, पर ये एक्सरसाइज करने का ना वीडियो बनाना अच्छा नहीं लगता है, पर फिर भी मैं सोची कि चला थोड़ा सा दिखा देती हूँ। तो आज मैं एक घंटा तक एक्सरसाइज करी हूँ और देखती हूँ पता नहीं ये कब तक चलता है, क्योंकि सुबेरे उठी ना बहुत बेकार लग रहा था, एकदम कमजोरी कमजोरी लस्त लग रहा था। फिर मिंटू मेरे को बोला थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लो तो थोड़ा ठीक लगेगा, और वाकई मैं करी ना तो थोड़ा सा अच्छा लगा। तो सबसे पहले ना अपना उठ के वही एक्सरसाइज करी, उसके बाद ही मैं अपना काम लेके बैठी हूँ, क्योंकि अगर काम करना शुरू करूँगी ना तो फिर मेरा वो सब रह जाएगा। इसलिए सुबेरे थोड़ा सा कर ली हूँ और अब शुरू होता है मेरा काम। तो बच्चे लोग नाश्ता भी कर लिए थे, इसलिए मैं सुबेरे जल्दी ना उन लोगों को नाश्ता वास्ता करा दी थी ताकि मैं अपना आराम से कर पाऊँ। तो उनका पेट भरा रहता ना तो आराम से कुछ भी करते रहते हैं बैठ के, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाता है मेरे को कुछ करना। और यहाँ पर बिस्तर ना आज गिल्ला हो गया है, गिल्ला गिल्ला सा है, तो फिर इसलिए मैं यहाँ पर अभी बेडशीट नहीं बिछा रही हूँ, बस ऐसे ही रख रही हूँ सबको तय करके, ठीक ठाक करके। यहाँ पर असल में जेनी अभी सुबेरे उठी ना तो पानी मांगी पीने के लिए और वहीं पर गिरा गिरा दी थी, तो बस यही सब ठीक करके रख रही हूँ। और इसके बाद आज ना मेरे को थोड़ा अंदर वाले रूम को ठीक करना है, उस दिन से बोल रही थी ना उसको थोड़ा ठीक करना है ठीक करना है, तो मैं सोच रही हूँ अभी कर ही लेती हूँ उसको ठीक। तो पहले अभी ये सब काम तो हो गया, और यहाँ पर ना मैं पंखा चालू करके रखूँगी ताकि बिस्तर सूख जाए, और बाहर धूप में डाल देती गद्दा को, लेकिन अभी धूप निकला नहीं है, बदली बदली है, तो फिर इसको अभी धूप में भी नहीं डाल सकती। तो और इधर आ गई हूँ अब मैं, और ये सब कल हम लोग आयरन किए थे कपड़ा तो ऐसे ही रखा हुआ था, तो बस ये सब कुछ समेट के रख रही हूँ, सबको ठीक ठाक कर देती हूँ, क्योंकि सुबेरे अगर काम कर लेते हैं ना तो ठीक रहता है, दिन भर पूरा घर ठीक ठाक रहता है। और ये है वही माइक वाइक, तो उसको भी मैं रख देती हूँ ठीक करके, और अब बस यहाँ पर को पूछ लूंगी। यहाँ पर भी बहुत धूल हो जाता है, नहीं तो अभी मेरा दो तीन दिन से ना तबीयत बहुत खराब हो गया था, वो इसीलिए क्योंकि डॉक्टर लोग बोलते हैं अपना वजन कम करो करके, लेकिन मेरा वजन कम हो नहीं पाता। अब वजन कम नहीं हो रहा है तो फिर क्या किया जाए, वजन बढ़े रहने से ना वो हो जाता है क्या, कोलेस्ट्रॉल कभी बढ़ जाएगा, कभी यूरिक एसिड बढ़ जाएगा, अभी मेरा यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तो उसकी वजह से ना बुखार भी चढ़ जाता है। तो दो तीन दिन से रोज़ बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे काम करने के लिए, लेकिन अभी थोड़ा सा ठीक हूँ, आज थोड़ा ठीक लग रहा है। तो अभी बस ये सब ठीक ठाक कर रही हूँ, और तौलिया तो हर जगह बिखरा रहता है, जहाँ देखो वहाँ गिल्ला गिल्ला तौलिया। और घर परिवार के साथ ना, घर तो हम लोग हमेशा ठीक करते ही रहते हैं, और घर के साथ बच्चों के साथ अपने परिवार वालों को देख देख के हम लोग खुद को ही इग्नोर करते रहते हैं हमेशा, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, हमेशा अपना भी ध्यान रखना चाहिए, घर परिवार के साथ ना हमेशा अपना भी ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा सा टाइम तो निकाल ही लेना चाहिए अपने लिए भी, नहीं तो घर के कामों का क्या रहता है, ये काम तो हमेशा ही रहता है, हमेशा घर का काम तो कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता।
एक के बाद एक काम आते ही रहता है। तो ये देखिए, अब मेरा रूम तो हो गया साफ सुथरा और यहाँ का हालत देखो, पूरा कबाड़ खाना बना हुआ है। तो मैं सोच रही हूँ आज इसको अच्छे से ठीक ठाक कर लेती हूँ। ये जो ही वाला रूम है जो हमारा पहले बेडरूम था, अब इसको हम लोग पूरा चेंज कर दिया। अभी मैं यहाँ पर अच्छा से पोछूंगी कांच को, उस टेबल को, उसके बाद यहाँ पर मैं बिछाऊंगी, फिर अच्छे से जमा देती हूँ ठीक ठाक करके। इसका गंदा देख रही थी, गंदा है कि नहीं, पर है, कपड़ा पूरा गंदा हो गया है। और अभी का मौसम भी अच्छा है ना, उतना गर्मी और में लग नहीं रहा है। वैसे मैं पंखा चालू करके रखी हूँ पर उतना गर्मी है नहीं, वैसे गर्मी तो अभी आराम से काम कर सकते हैं। और इस मौसम में ना काम करने में अच्छा लगता है, बदली बदली है अभी। ये मेरा जम गया है और मैं इस गमला को ना एक ढक्कन के नीचे रखती हूँ, एक पेंट वाला डब्बा था उसका ढक्कन था तो उसी के नीचे रख रही हूँ। वैसे तो गमला के नीचे रखने का एक मिलता है लेकिन वो वाला नहीं है मेरे पास। और इसमें क्या क्या थोड़ा थोड़ा सामान रखा हुआ है, थोड़ा सा मिक्सचर, थोड़ा सा बिस्कुट तो हटाऊंगी, वो सब बहुत दिन से ऐसे ही रखा हुआ है। बस हो गया, मैं इसको थोड़ा सा टेबल पोछ देती हूँ। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और उसके बाद ना उधर का तो काम हो गया और अब मैं अलमारी के कांच को पोछ ले रही हूँ क्योंकि ये भी पूरा धुल धुल हो गया था। इसको पोछने के बाद ये फ्रिज को पोछूंगी। और असल में ना ये फ्रिज हमारा बहुत ख़राब हो गया है, बाहर से भी एकदम ख़राब हो गया है, यहाँ पर पूरा इसका पेंट वेंट निकल जा रहा है। तो ठीक है गाइस, आज के लिए बस इतना ही। हम लोग फिर मिलते हैं कल एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। और मैं यहाँ पर रख रही हूँ इस गमला को, ये वाला पौधा ना मेरे को बहुत पसंद है। तो ये देखिए, अब हो गया हमारा रूम तैयार, एकदम साफ़ सुथरा।